मार्च को अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस मनाया जाता है। तारामा चैरिटेबल ट्रस्ट द्वारा अपनी टीम की महिला सदस्यों को सम्मानित करने हेतु बोरीवली स्थित एक प्रसिद्ध रेस्टोरेंट में महिला दिवस का सेलिब्रेशन रखा गया। भोजन के पश्चात टीम के सभी पदाधिकारियों को स्मृति चिन्ह एवं गुलाब देकर सम्मानित किया गया। इस अवसर पर तारामा चैरिटेबल ट्रीट की ट्रस्टी अल्पा पटेल, प्रीत पटेल एवं ट्रस्ट के राष्ट्रीय संस्थापक अध्यक्ष धर्मेश जोशी ने सभी का स्वागत सत्कार किया। तारामा चैरिटेबल ट्रस्ट की ओर से ट्रस्ट के मुख्य सलाहकार रामकुमार पाल एवं उपेंद्र पंडित, पीवी लीगल एड लाइफ लाइफ स्किल्स की एडवोकेट स्वाति पंड्या एवं हिमांशु पंड्या भी उपस्थित रहे। कुछ कर रही है So, जी। हाँ जी। तो आगे आप कैसे स्टेप लेंगी, क्योंकि तारामा चैरिटेबल ट्रस्ट से जिस तरह से आपके हस्बैंड भी जुड़े, तो क्या आगे स्टेप है कि महिलाएं जिस क्षेत्र में अच्छा कर सकते हैं तो उन्हें आगे ले जाने के लिए क्या कुछ सोचा है? जैसे एजुकेशन पे हम लोग अभी काम कर रहे हैं कि महिलाओं के लिए, बच्चों के लिए, सबके लिए कर ही रहे हैं। जिनको कोई भी प्रॉब्लम्स है वो तारामा चैरिटेबल ट्रस्ट के साथ माध्यम से जुड़ जाए, कहीं कुछ प्रॉब्लम है तो हमें आके बताएं तो हम इसका कुछ निराकरण कर सकते हैं। कोई भी महिला है तो यहाँ के मोस्ट वेलकम है, आप आइए और जुड़िए हमारे साथ। थैंक यू सर। आज वुमेंस डे है, सबसे पहले महिलाओं को क्या शुभकामनाएं देना चाहेंगे? आज महिलाओं को बहुत बहुत आशीर्वाद लेना चाहूँगा, अपने आशीर्वाद भी देना चाहूँगा और आज महिला दिवस पे सब खुशी खुशी रहे। दीदी से देखते हैं कि भाजपा महिलाओं के लिए कार्य करे और आगे और भी क्या स्टेप लेना चाहिए? ये आज मुझे तारामा चैरिटेबल संस्था ने मौका दिया और हम तारामल चैरिटेबल परिवार लोग ही महिलाओं को अब ये सम्मान दिए हैं और बाकी अभी अब धर्मेश भाई बताएंगे। और भाजपा से भी आप जुड़े हैं, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ से, उस भाजपा की अगर हम बात करें तो किस तरह से और क्या महिला दिवस पे आपने खास एक महिलाओं को शुभकामनाएं के लिए कुछ किया? देखिए, महिला दिवस भाजपा के थ्रू मैंने 2 दिन या 3 दिन के बाद रखा है। हमारे माननीय श्री सांसद गोपाल शेट्टी साहब का टाइम लेके मैं उनके हस्तक, जैसे उन्होंने मुझे एक बार एडवाइस की थी कि धर्मेश तू पढ़ाई लिखाई में ध्यान दे रहा है तो थोड़ा सा किसी बच्चों को दत्तक भी लेना सीख, और वो तू लेगा तो तेरे पीछे और भी लोग लेंगे। तो मैं एक सोनल दुबे करके एक चैरिटेबल ट्रस्ट में की स्कूल है हमारे HB मिश्रा चाचा की, तो उसके अंदर वो पढ़ाई कर रही है तो उसको मैं दत्तक ले रहा हूँ और शेट्टी साहब के हस्तक से उनका मैं सम्मान कराऊँगा। अच्छा लगा जब महिलाओं के साथ इतनी सारी खुशियां बांटा आपने उनके बीच बैठकर? सबसे खुशी की ये बात है कि आज अल्पा हमेशा मुझे सपोर्ट देती है और ट्रस्टी भी है तारामा चैरिटेबल ट्रस्ट के, तो जिस हिसाब से उसने मुझे आज तक सपोर्ट दिया है ये मुकाम तक लाने के लिए, तो आज ये जो संगठन मेरा आप देख रहे हो, जितनी भी महिला यहाँ पर सब जुड़े हुए, वो कुछ ना कुछ मेरे अच्छे कार्य की वजह से जुड़े हैं, मैं ये समझता हूँ। उन्होंने सबने मेरे पे भरोसा रखा और आज ये शुरुआत है, तारामा चैरिटेबल ट्रस्ट का फर्स्ट वुमन डे है। मैं चाहूँगा कि अगले साल पूरे इंडिया के मेरा जो परिवार है तारामा चैरिटेबल ट्रस्ट का वो साथ में जुड़े और इससे भी बड़ा मैं आयोजन। साथी जी आप बोलो, तारामा चैरिटेबल ट्रस्ट की तरफ से सबसे पहले हम लोग हमारे तारामा चैरिटेबल ट्रस्ट के जो हमारे ट्रस्टी हैं, जो फाउंडर मेंबर अध्यक्ष हैं धर्मेश भाई का, सबसे पहले बहुत बहुत धन्यवाद। उन्होंने बहुत ही अच्छा आयोजन किया और हम सभी बहनों को एक साथ एकत्रित एक सामूहिक भोज के माध्यम से हमने ढेर सारा इंजॉय किया और अपने दिन को सेलिब्रेट किया, तो तहे दिल से उनका शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद। साथ ही ये कहना चाहूँगी कि तारामा चैरिटेबल ट्रस्ट हमेशा ही कुछ ना कुछ अच्छा करता है और आगे बढ़ने की सोचता है, सभी महिलाओं को मान सम्मान देता है और साथ ही रोजगार के अवसर भी प्रदान करता है। तो हमारे देश की महिलाएँ जो आत्मनिर्भर और सक्षम बनना चाहती हैं वो तारामा चैरिटेबल ट्रस्ट की तरफ से उनके लिए बहुत सारी ऐसी उपलब्धियां हैं और ऐसे बहुत सारे अवसर हैं जो उन्हें मिलेंगे, और इस ट्रस्ट से मैं कहूंगी सभी को जुड़ने के लिए और आह्वान करूंगी कि इस ट्रस्ट के माध्यम से हम उन सभी महिलाओं तक पहुंचे जो कुछ करना चाहती हैं और कुछ अपना नाम रोशन करना चाहती हैं। इस ट्रस्ट पे किस आयोजन किया आप, एक महिला शक्ति होकर किस तरह देखती है ट्रस्ट पे, कितना ज़्यादा ट्रस्ट आपका बना हुआ है और कितना आगे और जाएगा? देखिए ये मैं तो शुरुआत से ही इस ट्रस्ट से जुड़ी हुई हूँ और आज तक मेरे साथ कभी किसी तरह का कोई विश्वास नहीं टूटा, बल्कि मेरा विश्वास और ज़्यादा बढ़ा है। तो सबसे पहले मैं धर्मेश जी, अल्पा जी,
राम भाई, इन सबको धन्यवाद कहना चाहूँगी कि वो इस तरीके के अच्छे कार्य करते हैं। और आज मैं बोलना चाहूँगी, यत्र नारे सु पूजयन्ते रमन्ते तत्र देवता। तो जहाँ ट्रस्ट में माँ का ही नाम जुड़ा हुआ है, तो आप सोच सकते हैं कि स्त्रियों को यहाँ कितना सम्मान दिया जाता है। तो और आगे भी मुझे पूरा विश्वास है कि शिक्षा हो या कोई भी क्षेत्र हो, इसी तरह से स्त्रियों का सम्मान बढ़ेगा ही, कभी कम नहीं होगा। मला ह्या तारामा चॅरिटेबल ट्रस्टवर खूप विश्वास आहे, कारण की माझा अजूनपर्यंत विश्वास डगमगलेला नाही आहे। जे पण धर्मेश जोशीदादांनी जे पण सांगितलेलं आहे, त्यांचा शब्द त्यांनी पार पाडलेला आहे, आणि ते महिलांना सन्मानित नेहमीच करत असतात, आणि त्यांच्या माध्यमातून अनेक कामं खूप छान पद्धतीने होत असतात। त्यामुळे मला खूप आवडते त्यांच्यासोबत काम करायला। थँक्यू सो मच।